नमस्कार, BCN न्यूज के टॉप 10 में मैं दिशा आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। अनिल देशमुख पर FIR दर्ज, मुंबई के बंगले और नागपुर में भी CBI की कार्रवाई। बीते 24 घंटे में देश में 3,49,691 नए मामले आए सामने, 2,767 लोगों ने गवाई कोरोना के चलते जान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैक्सीन से जुड़ी अफवाहों पर ध्यान न दें, कोरोना वैक्सीन को हराना हमारी प्राथमिकता। बीते 24 घंटे में देश में 24 लाख से अधिक कोरोना वैक्सीन की डोज दी गई, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की जानकारी। शहर के शुक्रवारी तालाब में मछली पकड़ने को लेकर हुआ गैंगवार, दो गुटों में जमकर हुई मारपीट। शहर में नहीं सुधर रहे कोरोना के हालात, बीते 24 घंटे में 7,999 नए मामले आए सामने, 82 लोगों ने गवाई जान। सुबह 7 से शाम 7 बजे तक अब शुरू रहेगा पेट्रोल पंप, बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर लिया गया निर्णय। अशी थाना क्षेत्र में किशोरी के साथ हुआ गैंगरेप, दो नाबालिग सहित 4 हिरासत में, पीड़िता को धमका कर बारी बारी किया दुष्कर्म। जम्बो कोविड सेंटर पर सुस्ती, पालक मंत्री ने तत्काल उपाय योजना करने का दिया निर्देश। जिले में लगातार बढ़ रहा संक्रमण, फिर भी लोग समझने को नहीं तैयार, इस्तेमाल के बाद खुले में फेंका जा रहा है मास्क। BCN न्यूज के टॉप 10 में फिलहाल इतना ही, ऐसे अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए BCN न्यूज। नमस्कार।